तो कैसे हो भाइयों, होपफुली बढ़िया अमेजिंग होंगे। तो भाइयों मुझे पता है काफ़ी टाइम हो गया, इट्स बीन नियरली अ मंथ, एक महीने से अपने चैनल पे कोई वीडियो आया नहीं। वीडियो क्यों नहीं आया, उसके पीछे कुछ रीजन्स है, कुछ पर्सनल काम थे, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स थे, वो कंप्लीट करने में थोड़ा सा बिजी हो गया था भाई। बट अभी रेगुलर वीडियोस अपने आते रहेंगे, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो आप बिंदास कमेंट इंस्टाग्राम पे आप बता सकते हो कि भाई कौन सा वीडियो आपको चाहिए, और मुझे लगेगा कि भाई कॉमन टॉपिक है ये, सभी को इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो उस टॉपिक पे हम वीडियो जरूर बनाएंगे। तो ये बात हो गई साइड में, अब आज के वीडियो की बात करते हैं। तो भाइयों आज का ये वीडियो 2024 का ये वीडियो सिग्मा मेल का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई मैं आज आपको बताने वाला हूँ सिग्मा मेल की ABCD। आप सोच रहे हो भाई क्या बकवास कर रहा है भाई, लेकिन बात यही है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सिग्मा मेल की ABCD। ये चार बातें, चार रूल्स या फिर चार पॉइंट्स आप कह सकते हो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अभी आपको मैं ज्यादा कुछ बताने वाला हूँ नहीं, और मैं इधर फोर्स आपको करने नहीं वाला कि भाई पूरा वीडियो देखो, ये देखो, वो देखो। भाई देखना है तो देखो, नहीं तो अभी कट करके आप जा सकते हो, कोई और रील्स या शॉर्ट्स आप स्क्रॉल करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप खुद को अपग्रेड करने में, खुद की पर्सनालिटी इनहेंस करने में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हो, तो भाई ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। वीडियो की ओर बढ़ते हैं। अब जानेंगे सिग्मा मेल का ए क्या होता है। अब ए का मतलब एटीट्यूड। अब आपने देखा होगा थॉमस शेल्बी या फिर सिग्मा मेल्स, कोई भी बड़े बड़े स्टार्स होंगे जो सिग्मा मेल की पर्सनालिटी रखते हैं, एक कॉमन बात उनमें क्या होती है कि भाई उनका एटीट्यूड हटके होता है। आपका एटीट्यूड सबसे अलग, सबसे यूनिक होना चाहिए। अब मेरे भाइयों में एक कंफ्यूजन है कि भाई एटीट्यूड और ईगो, एटीट्यूड और ईगो कंप्लीटली डिफरेंट है, इन दोनों को साथ मत करो। आप एटीट्यूड को ईगो मत समझो और ईगो को एटीट्यूड मत समझो, ठीक है। एक बंदे के बोलने का तरीका, उसके चलने का तरीका, उसके कमिटमेंट का तरीका, वो कैसे देखता है, वो क्या कमिटमेंट करता है, वो कैसे कम्युनिकेट करता है, वो एक एटीट्यूड हो गया उसका। लेकिन ईगो क्या होता है, ईगो बोले तो भाई जो भी कर सकता हूं मैं कर सकता हूं, तू नहीं कर सकता, थोड़ा जेलसी, किसी को नीचे दिखाना, वो ईगो में आ जाता है। लेकिन एटीट्यूड वो नहीं, एटीट्यूड एक पर्सनालिटी होती है, ठीक है। एक बंदे की पर्सनालिटी के बारे में बताता है, कैसी पर्सनालिटी, उसको एटीट्यूड कहते। तो भाई उसमें कंफ्यूजन आपको होने की जरूरत नहीं है। तो आपका एटीट्यूड सबसे अलग, सबसे यूनिक होना चाहिए। अब सिग्मा मेल्स के जो एटीट्यूड होते हैं, थॉमस शेल्बी का एग्जाम्पल ले लो, थॉमस शेल्बी का एटीट्यूड सबसे अलग, सबसे यूनिक है, ठीक है। कुछ बेसिक क्वालिटीज होती है, कुछ बेसिक साइंस होते हैं जो बंदा वो फॉलो करता है, और उसकी वजह से उसका एटीट्यूड सबसे अलग, सबसे यूनिक साउंड करता है, दिखता है, इसीलिए सभी लोग उसकी वैल्यू करते हैं। तो भाई पहला ए एकदम आपके लिए क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई एटीट्यूड आपका एकदम हटके तगड़ा होना चाहिए सभी से, आपको कॉपी नहीं करनी है किसी की भी। अब बढ़ते हैं बी की ओर। अब बी क्या होता है भाई, बी होता है बिहेवियर। आपका बिहेवियर काफी कामिंग होना चाहिए, काफी चार्मिंग होना चाहिए, आपका बिहेवियर काफी ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। अब आप जो कुछ बोलो, कुछ बताओ, तो लोग आपकी बात सुने, आपको पसंद करें और आपके ऊपर ट्रस्ट कर सके। आपका बिहेवियर सब कुछ है, आप लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हो, जब आप अपने दोस्तों के साथ बैठते हो, उठते हो, अपने फैमिली के साथ या फिर अपने पार्टनर के साथ, आपका बिहेवियर मैटर करता है। क्या आप उनकी वैल्यू करते हो, क्या आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो, और अगर आप ये नहीं करते तो भाई कैसा बिहेवियर। तो बिहेवियर बहुत मैटर करता है, क्योंकि जब एक बंदा सभी की वैल्यू, रिस्पेक्ट, कदर करता है, तो लोग बताएंगे, लोग सोचेंगे कि भाई इसका बिहेवियर काफी तगड़ा है, और आपको अपना बिहेवियर काफी सॉलिड बनाना है, एक सिग्मा मेल की तरह बनाना है। आपको किसी के सामने झुकना नहीं है। मैं आपको यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि नाइस गाय बन जाओ, सभी की बात सुनो, जो कुछ कहता है वो फॉलो करो, नहीं भाई। मैं बता रहा हूँ आपको वैल्यू करने की, दूसरों के इमोशंस, फीलिंग की वैल्यू करो। आपको कुछ कहना नहीं है, आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, बट उनकी वैल्यू, रिस्पेक्ट, कदर करो, ठीक है। जो वो सोचते हैं उसकी वैल्यू करो। इसका मतलब ये नहीं कि भाई जो वो तुम्हें बोले वो तुम्हें फॉलो करने की जरूरत नहीं, वो आपकी मर्जी है, बट फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ आपको वैल्यू, कदर और रिस्पेक्ट देने के लिए कह रहा हूँ, जो कि आप दे सकते हो। जब आप दोगे तो लोग आपको दो गुना वापस देने वाले हैं, ठीक है। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि भाई बिहेवियर आपका इधर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और अब बढ़ते हैं सी की ओर। अगर आप अपना सी क्या है, अब सी डिफाइन करता है कूल, काम और क्लियरिटी।
जब आप किससे बात करो तो आप कूल रहने चाहिए, आप काम रहने चाहिए, आपका दिमाग एकदम कूल और काम रिलैक्स वे में होना चाहिए। जब आप कुछ बताते हो तो वो क्लियर होना चाहिए, आप क्लियरिटी बहुत मैटर करती है कम्युनिकेशन स्किल्स में। जब आप एकदम तेजी से बात करते हो, एकदम रॉकेट की स्पीड से बात करते हो, तो भाई रॉकेट दिखता तो है लेकिन हमें पता नहीं चलता कि भाई वो कितनी स्पीड से भागता है। तो आपको इधर कूल, काम, रिलैक्स और क्लियरिटी के साथ बात करना। जब आप किससे कम्युनिकेट करते हो तो आप जो बताना चाहते हो, जो आप कम्युनिकेट करते हो, वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए। एटलीस्ट उस वे से आपको बात करना चाहिए। और अब आपको यहाँ टेंशन, आपको इधर स्ट्रेस रह के किसी से बात नहीं करना है, आपको अपना दिमाग एकदम काम रखना पड़ेगा, एकदम कूल रखना पड़ेगा। कोई भी सिचुएशन आ गई, कोई भी पैनिक सिचुएशन आ गई तो आपको हड़बड़ाहट नहीं करनी है, आपको कूल, काम, रिलैक्स्ड वे से कम्युनिकेट करना है, उस सिचुएशन से डील करना है। और जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हो तो आपको क्लियरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा मेरे भाई। होपफुली ये आपको सी क्लियर हो गई, और अगर आपको सी क्लियर हो गई है तो भाई अब अपने बढ़ते हैं डी की ओर, जो थोड़ा मैटर करता है, इंपॉर्टेंट है। और अपना डी क्या है? डी फॉर डिसिप्लिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, क्योंकि आज की यूथ, आज के बच्चे, आज के जवान, हम लोग क्या करते हैं, सारा दिन अपनी टाइम कहाँ इन्वेस्ट करते हैं मेरे भाई? हम अपना सारा टाइम मोबाइल में इन्वेस्ट करते हैं। सोशल मीडिया हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, पूरा टाइम यहां बर्बाद करते हैं। हजारों रील्स स्क्रॉल कर दी, हजारों शॉर्ट्स स्क्रॉल कर दिए, सारा दिन वहीं पे बिताते हैं। और आखिर में क्या मिलता है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी नॉलेज आपने कलेक्ट कर ली इंस्टाग्राम के शॉर्ट्स और यूट्यूब के रील्स वगैरह वॉट एवर है, लेकिन फायदा क्या मेरे भाई? आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। क्योंकि क्यों भाई? क्योंकि आपका दिमाग हो गया है कंफ्यूज। यार कितना नॉलेज वो इकट्ठा करेगा, कितना सारा नॉलेज उसके पास, इतना आपने भर दिया है, किस चीज पे वो एक्शन लेगा, बहुत कंफ्यूज। जब आप इंस्टाग्राम के रील्स और यूट्यूब के शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हो तो आपका दिमाग इंस्टेंट डोपामिन रिलीज करता है, और उसकी वजह से आपको खुशी मिलती है, तो आप वो कंटिन्यूस करते रहते हो। एक हैबिट बन गई है, एक लूप बन गया है जिसमें आप फंस गए हो। तो आप भाई बाहर आओ, उस फेक दुनिया से बाहर आना पड़ेगा आपको, और डिसिप्लिन की ओर अपना एक कदम बढ़ाना पड़ेगा। तो भाई समझो। अब भाई एक फन फैक्ट इधर क्या है कि भाई सभी को पता है क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सभी को पता है इंस्टाग्राम की रील्स और यूट्यूब के शॉर्ट्स आपका सिर्फ टाइम बर्बाद करते हैं, वहां से आप कुछ सीखते नहीं हो, लेकिन फिर भी स्क्रॉल करते हो आप। इधर आपको कौन बदल सकता है, इधर आपको कौन रोक सकता है? सिर्फ एक ही बंदा है, और वो हो आप खुद मेरे भाई। अपना फ्यूचर के बारे में थोड़ा सोच लो कि भाई क्या करना है मेरे को अपनी जिंदगी में। अब इंस्टाग्राम के रील्स और यूट्यूब के शॉर्ट्स आप स्क्रॉल करके जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं बन पाओगे, आप एक कंज्यूमर बन जाओगे। और अगर आपको एक क्रिएटर बनना है तो भाई इन चीजों को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। और भाई एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, भाई जो भी करना है आज कर लो, जो भी स्टेप लेना आज एक्शन लेना स्टार्ट कर दो, कल के ऊपर मत टालो क्योंकि कल पता नहीं क्या होगा। तो जो भी करना आज ही मेरे भाई आंखें खोल और एक्शन लेना स्टार्ट करके, भाई हाँ ये मेरे लिए गलत है तो गलत है, मेरे को आइडेंटिफाई खुद को करना पड़ेगा, मेरे को समझना पड़ेगा खुद को। तो होपफुली आपको ए बी सी डी क्लियर हो गया। ए फॉर क्या आता है? एटीट्यूड। बी फॉर आता है बिहेवियर। सी फॉर कूल, काम एंड क्लियरिटी। एंड डी फॉर आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज डिसिप्लिन। और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन है जहाँ आप कमेंट सेक्शन में नहीं बता सकते, तो भाई आप इंस्टाग्राम पे मुझे भेजिए का अपना क्वेश्चन, अपनी बातें पूछ सकते हो, मैं उस क्वेश्चन, उस बातों का जरूर रिप्लाई करूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।